फिजी क्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने तिली रोड सागर। जो व्यापारी हैं छोटे छोटे, अगर किसी भी दुकानदार के लाने कोई दिक्कत आए और कोई धमका है तो हम लोगों तक जानकारी जरूर बताना, सबके पास फोन है। अगर कोई भी एक उंगली भी उठा दे जरा सी दुकानदारों पे अगर आज भी आ जाए तो पाहुए जो हम बाद में बते हैं। और हम मिलके, हम अकेले नहीं, सर्वदल के नेता ऐसे लोगों के खिलाफ केस उठा कर रहे हैं। हमारे पते हैं, आप लोग अगर कोई किनारे परेशान करो जाए, कोई ऊपर आज भी आ जाए तो आप लोग हमें जरूर बताइए। न हमें FIR की दर्ज आए डरे आए और न जेल के डरे आए, जनता की लाने जान हमारी आज हाजिर है, कल है और सदा रहे। दमोह जिले की पथरिया नगर परिषद में चल रहे भ्रष्टाचार के विरोध में राजनैतिक दल सहित व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और अपनी अपनी दुकानें बंद रखी, साथ ही नारेबाजी कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन SDM को सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गड़ाकोटा पेट्रोल पंप के पास एकजुट हुए और वहां से SDM कार्यालय पहुंचे। उन्होंने SDM को ज्ञापन देते हुए अल्टीमेटम दिया कि अगर नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा तो उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही बसपा विधायक और उनके पार्षदों के खिलाफ झूठी FIR खारिज की जाए। गौरतलब है कि इस प्रदर्शन के एक दिन पहले सभी दुकानदारों से कहा गया था कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी अपनी दुकानें बंद रखें और सभी ने अपनी दुकानें बंद रखकर अपना सहयोग दिया। इस प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं इस मौके पर पथरिया विधायक रामबाई ने कहा कि अगर किसी दुकानदार को कोई दिक्कत या कोई उसे धमकाता है तो हमें बताना, हम समस्या दूर करेंगे। उन्होंने साफ कहा था कि हम ना तो FIR से डरते हैं ना ही जेल से, जनता के लिए हमारी जान हाजिर है। बिल्कुल, आज हम लोगों ने सर्वदलीय जो लोग हैं सभी इसमें सम्मिलित हुए हैं। हम उन्होंने सर्वदलीय में ज्ञापन दिया था और इसमें नगर पंचायत से लेके आसपास के ग्रामीणों के लोग भी सम्मिलित हुए हैं। भ्रष्टाचार जो अपने नगर पंचायत में है वो कोई से छिपो नहीं है और एक ही जानकारी कोई यास्त नहीं है। जिन लोगों को आज नगर पंचायत में पूर्व अध्यक्ष ने स्थापित कर दो, उनको मालूम तो कि ये दोनों लोग कैसे हैं और किस हद तक गिर चुके हैं पैसों को लेकर। ना कोई दीन है, ना कोई धर्म है, ना कोई उनका ईमान है। अगर कुछ है तो पैसा ही भगवान है, जय स्थिति है। और इसी को लेकर सभी लोग आज बाजार बंद करो है, पूरे व्यापारियों ने, चाहे वो चाय के हों, समोसा के हों, बड़ी दुकानें हों, सब्जी वाली जो व्यापारी उनने तक दुकानें बंद करी हैं, तो आज उसी को लेके सब ने ज्ञापन दो है। और जो हम लोगों के ऊपर झूठी FIR करी है उसके उपलक्ष्य में भी हम लोगों ने इसकी जांच कराई जाए और इस FIR पे खात्मा लगाओ जाए। और जो नगर पंचायत है, नगर पंचायत की स्थिति यह हो गई कि जैसे कोई आतंकवादी बैठे रथ बॉर्डर पर, ऐसे कोई आम आदमी नगर पंचायत नहीं जा पाओ, क्योंकि उतने आदमी अपनी सरकारी ड्यूटी छोड़ के भी उतरे बैठे थे। अरे जिनके ब्याज के धंधे 20% के चल रहे हों और जिनने पैसा लेखे खा लाए हों, जी के लाने ऐसी जिन जो लोग ऐसे विराजमान हैं, वे कैसे लोगों को हित कर सके। भाई लोगों को हित करवे के लाने सच्चाई चाहने परत, ईमानदारी चाहने परत, अच्छाई चाहने परत। इतन गंगा जी में खड़े होकर गंगा माई की कसम खा खे आए, अब बताओ कहा है वो। और जिन आदमी ने जो अध्यक्ष महोदय ने, पूर्व अध्यक्ष महोदय ने जी रंगा बिल्ला हो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बिठा रो है, उस सबको मालूम है कि जे कहाँ विराजमान और किन भ्रष्ट हो बिठा दो। तो आज बहुत दुखद घटना है, आम जनता आम जनमानस पागल है, परेशान है। स्थिति उनकी जा है कि कुटीरों से लेखे, आवास को लेखे, चाहे पेंशन को लेखे, हर चीज के पैसा मांगे जा। अध्यक्ष महोदय, पूर्व अध्यक्ष जो लक्ष्मण सिंह है, उनके विरुद्ध 10 एफिडेविट दे गए, उनने भी आज की डेट में पैसा मांगे, आज उनके भी एफिडेविट आए हैं हमारे। तो 8-10 दिन पहले कलेक्टर हो ज्ञापन, इनने ज्ञापन मतलब सामुदायिक 10-12 लोग देने गए, तो जय स्थिति है भैया हरो। तो सभी जनों के माध्यम से, चैनल TV के माध्यम से सभी जनता से एक निवेदन कर वो चाहत के आगे चल के सोचो समझो करो विचार, फिर वोट डार भी जाइयो यार भैया हरो।
काय से कि निवेदन है सबसे, एक प्रत्याशी गलत चुनवे से कितनो गलत असर जात है, कितनो गलत में फील करत है आदमी नगर पंचायत में आगे चलखे। आप लोग जब भी कोई नगर पार्षद में चुनाव में खड़ा हो, आप लोगों को ईमानदार आदमी को चुनने, भ्रष्ट को नहीं चुनने, दया धर्म वाले को चुनने। आप सभी से यही निवेदन है भैया, अपनी सही याद करो, चर्चा तो जाते हो रही थी। मतलब अगर आज हमारों के लाने ही पंचायत की जनता हो, नगर पंचायत की जनता हो, न्याय नहीं मिलो और हमारों के ऊपर जो झूठी FIR करी गई, अगर बामे खात्मा नहीं लगो तो सर्वदलीय भ्रष्टाचार के खिलाफ और उसे FIR के खिलाफ जो झूठी करी है इनने, हम लोग दमो में सर्व समाज के, सर्व समाज की पार्टी जितनी भी दल की पार्टी है, सब लोग मिलके हम लोग धरना पे बैठेंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे। 15 दिन का समय दिया जाएगा इन सबके लिए, मानवता और इंसानियत की हम का होते है ताकत जो हम दमो में दिखे हैं। हेलो, मैं सुनील चौरसिया, किराना व्यापारी। हम सारे व्यापारी अपनी स्वेच्छा से मार्केट बंद किए हुए हैं, क्योंकि कोई ना CFL, ना होल्डर, ना डोली, ना नल का पानी कुछ नहीं मिलता। हम लोग कहाँ जाएंगे, किसी से कोई किस्त की बोलता है तो पैसे दो, ये करो वो करो, इनसे मिलो उनसे मिलो, कोई नहीं, नहीं कोई दबाव यार, कोई दबाव नहीं है। हम सारे लोग व्यापारी अपनी स्वेच्छा से बंद किए हुए। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल, आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम। पता है पारस विद्या विहार, स्कूल के सामने, दिल्ली रोड, सागर।